नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो जी हाँ दोस्तों, इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी ने इसकी उम्मीद तक नहीं रखी थी। क्या पूरा मामला उसे बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे वर्ल्ड के तमाम खबरों से। तो दोस्तों, ये तो कोई नहीं बता सकता कि कब कौन सा देश अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक साथ खड़ा हो सकता है। इसी को कहते हैं जियो पॉलिटिक्स में उलटफेर होना। अपने फायदे के लिए कोई भी देश पुराना से पुराना दुश्मनी को भूल जाता है। इसी बीच इजराइल और खाड़ी के देश के बीच संबंध बहाल हो रहे हैं, या फिर ईरान को न उभरने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री की सोची समझी रणनीति है। अभी के समय में इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट संयुक्त अमीरात के दौरे पर हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई इजरायली प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर है पहुंचा है। यहां पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ है। इस दौरान वह द्विपक्षीय चर्चाओं के साथ साथ यूएई के शासक से ईरान पर भी बातचीत करेंगे। एक इजरायली राजदूत ने इस बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि खाड़ी देशों के लिए इजरायल हमेशा से अद्भुत जैसा रहा है, लेकिन नए बनते समीकरणों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी का ध्यान खींच रहा है। वैसे आपको बता दें कि इसके पीछे अमेरिका का अब्राहम समझौता है, जिससे इजराइल और यूएई एक साथ आए हैं। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच कट्टर दुश्मनी रही है। साल 2015 में इजराइल ने वैश्विक शक्तियों और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर पुरजोर विरोध किया था। माना जा रहा है कि ईरान के साथ वैश्विक शांतियों द्वारा न्यूक्लियर डील शुरू करने की कोशिश में इजराइल ने माथे पर चिंता की लकीर खींची है। वहीं एक अमेरिकी दल भी इसी हफ्ते यूएई के दौरे पर आने वाला है, और माना जा रहा है कि इस दौरान यह यूएई के बैंकों को ईरानी प्रतिबंधों का अनुपालन न करने पर चेतावनी दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बेनेट के इस यात्रा को दोनों देश के बीच सामाजिक और आर्थिक संबंध सुधारने की यात्रा का नाम दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अबू धाबी में इजरायली राजदूत आमिर हायाक ने कहा कि बेनेट और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद के बीच ईरान का मुद्दा जरूर उठेगा। वहीं इजरायली अखबार हमोय ने बेनाम अधिकारियों के हवाले से लिखा कि इस बात की पूरी उम्मीद है कि इजरायली प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद और ईरान के बीच आयात मलिक और ड्रोन की चर्चा जरूर करेंगे। हालांकि हायाक ने यह भी कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री यहां सिर्फ ईरान के मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इजरायल ने पिछले महीने खाड़ी देशों के साथ ईरान के खिलाफ संयुक्त रक्षा अभियान शुरू किया है। हायाक ने कहा कि यूएई को मिलिट्री सामान बेचने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इजरायली इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अभी तक बात होनी है। वहीं एक खबर के मुताबिक इजरायल और यूएई द्विपक्षीय व्यापार केवल 2021 में करीब $500 बिलियन तक पहुंच गया था, जबकि 2020 में यह आंकड़ा मात्र 125 बिलियन ही था। खैर, आपका क्या राय है पूरे इस घटना पर? क्या यूएई और इजराइल दोनों मिलकर ईरान को उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड के तमाम खबरों से। जय हिंद, जय भारत।